दोस्तों भोले भंडारी, मैं उस परम शक्ति को नमन करता हूँ। दोस्तों इस समय रात का कोई 11 बजे हैं। मैं एक क्लिप से व्यथित होकर ये सब लिख रहा हूँ, मुझे भगवान ने बताया है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ वह काफ़ी दिनों से मेरे को वाइब्रेशन आ रहे थे। क्या आ रहे थे कि अब भारत के कुछ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े शख्सियत, पावरफुल लोग मरेंगे अचानक, प्रीमैच्योरली, दर्दनाक तरीके से मरेंगे। और इस तरह से मरेंगे कि उनके मरने से हल्ला तो मची जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा अचंभे की बात यह होगी कि वे इस तरह से मरेंगे कि लोगों को ईश्वर की शक्ति का एहसास होने लगेगा कि यह क्या हुआ, यह तो किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे किया है। ऐसे लगेगा जैसे परमात्मा खुद ये काम कर रहा है। ऐसा मुझे वाइब्रेशन आ रहे थे कई दिनों से, लेकिन मैंने लिखा नहीं कि मैंने कि इतने कड़वे वीडियोज़ को नहीं देना चाहिए इस तरह से। लेकिन आज अभी मैं एक क्लिप देख रहा था शॉर्ट वीडियोज में कि योगी आदित्यनाथ ने किसी के घर को घर से हटाने का, निकालने का, बुलडोज करने का कोई हुक्म दे दिया है। तो वो औरत चिल्ला रही थी, मैंने वो वीडियो अपने स्टेटस पर डाला है और सब जगह। तो मुझे फिर ये वाइब्रेशन हुए हैं कि अब तो निश्चित रूप से वह होगा जो मुझे पहले वाइब्रेशन आ रहे थे कि अब बहुत से भारत के पावरफुल लोग, आरएसएस, बीजेपी के और भी जिन्होंने बुरे बुरे काम किए हैं, लोगों को सताया है, कुछ अचानक रूप से दर्दनाक तरीके से एकदम से मरेंगे और उनका हल्ला मच जाएगा कि ऐसा कैसे हो गया। और उनमें श्री योगी आदित्यनाथ का नंबर पहला होगा, ये आदमी सबसे पहले मरेगा। और इसके एनकाउंटर्स की इंक्वायरी होगी कि ये किस किस को इसने मरवा दिया, लेकिन वो इंक्वायरियों में इसको सजावट इत्यादि तो बाद में होती, अब तो खुद ही अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, ये आज मैं बड़ी हिम्मत करके ये बोल रहा हूँ, भगवान मुझसे ऐसा ही बोल रहा है। दोस्तों मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अनिति ज़्यादा कर ली है, योगी, मोदी, भागवत और इनके जो चेले चपाटे हैं, जो सारे आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, जो इन्होंने बहुत तंग किया दुनिया को, अब इन लोगों के साथ ऐसा ही होगा। इनके साथ में इनको जेल में बंद करके और केस चलाने वाली बात तो बाद में, अब तो ये मुझे ऐसा लगता है वैसे ही मर जाएंगे, ईश्वरीय प्रकोप से अचानक से एकदम से उठा लिए जाएंगे बहुत से। तब लोगों की आंखें खुलेंगी, तब हल्ला गुल्ला इंडिया में होगा कि ये कैसे हो रहा है, तब लोग इकट्ठे होंगे, तब ईश्वर की तरफ जाएंगे, तब ये देश को ही आगे बढ़ेगा, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं सॉरी हूँ मैं इस तरह का कड़वा मैसेज दे रहा हूँ और किसी के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर ने ऐसा ही बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।